Hello everyone, welcome to our YouTube channel Agriculture in GK. Myself Meghna Parekh और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा 2015 का पेपर था, जो कि लेकिन हमारे 2018 के अंदर हुआ था. ओके, तो आज हम लोग इसी के क्वेश्चन करने वाले हैं. तो अगर आप लोग RPSC AAO की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम होगा RPSC के अंदर, तो ये एग्जाम के जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के अंदर. तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा. इसके अंदर हमने सारे क्वेश्चन आंसर लिए हैं, पूरे 120 क्वेश्चंस हैं, और साथ साथ के अंदर उनकी जो भी रिस्पॉन्स के अंदर आंसर्स हैं वो भी यहाँ पे आप लोग को पूरे अवेलेबल हो जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का वीडियो. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को. For tram planting, the 1 hectare area of paddy crop, how much area of rising nursery by Dupang method is adequate? तो अब इसके अंदर आपको बताना है कि धान के 1 hectare क्षेत्र में रोपाई हेतु डापोंग विधि द्वारा रोपण का कितना क्षेत्रफल समुचित होता है. तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 25 to 30 meter square. ओके, तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए हुए, बट मैं आप लोग को क्वेश्चन इंग्लिश में रीड करके बताऊंगी. तो हिंदी के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज हिंदी के क्वेश्चंस भी यहाँ से रीड कर सकते हैं. ओके, और आंसर सेम ही है दोनों के. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम अ केमिकल स्प्रे एट 60 days आफ्टर सोइंग टू इंड्यूस सीड डोरमेंसी इन स्पेनिश ब्रांच टाइप ऑफ ब्राउन नट. तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1. ओके, मैलिक हाइड्रोजाइड 250 ppm. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3. ये है, ओरोबैंक की स्पीशी इज एन प्रॉब्लम वीड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप. तो आपको ये बताना है कि ये जो वीड है ये किस कौन सी क्रॉप के अंदर हार्म पहुंचाता है. तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आपका टोमेटो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4. द स्टेट हैविंग हाइएस्ट एरिया अंडर ड्रिप इरीगेशन इज. तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज महाराष्ट्र. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5. द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोठ बीन्स इन इंडिया. तो वो कौन सा है आपका, वो है राजस्थान. ओके, जहां पे सबसे ज्यादा मोठ पैदा होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6. केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम. ठीक है, तो जिप्सम का आपका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, दैट इज CaSO4.2H2O. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. पिजन पी इज कॉमनली नोन एज. अब पिजन पी जो होता है उसको हम लोग कॉमनली क्या बुलाते हैं, उसको हम लोग बुलाते हैं रेड ग्राम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रासी वीड. तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2. ओके, दैट इज डाइजेरा अरवेंसिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ वीट इज कंपैरेटिवली मोर टॉलरेंट टू वार्म टेम्परेचर इन राजस्थान. तो अब आपको इसके अंदर पूरी वैरायटी बतानी है वीट की. ओके, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 1, दैट इज RAJ, दैट स्टैंड्स फॉर राजस्थान, 4079. ओके, यानी ये मोर टॉलरेंट है वार्म टेम्परेचर के लिए. ओके, यानी नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर के अंदर भी ये इजिली ग्रो हो जाती है. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शुगर 75 इज एन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ. तो ये होती है आपकी स्वीट कॉर्न की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11. क्या है, द ऑप्टिमम सीड रेट फॉर सोइंग ऑफ क्यूमिन इन राजस्थान इज. अब राजस्थान के अंदर क्यूमिन ग्रो करने के लिए जो ऑप्टिमम रेट होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 12 to 15 kg पर हेक्टेयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following chemical is induced to use hardening in plants? ठीक है, तो इसमें जब हम लोग hardening करते हैं तो उस time पे कौन सा chemical हम लोग काम में लेते हैं, तो वो है आपका option number 4, that is CaCl2. Okay, that is calcium chloride. ठीक है, next question देखते हैं हम लोग question number 13. Oxyfluorophan belongs to which group of herbicides? तो आई होप आप लोग को आइडिया होगा इसका. इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज डायफिनाइल ईथर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. विच मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट इज नॉट रिकमेंडेड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग.
तो कौन सा मेथड होता है जो कि हम लोग जब वीड मैनेजमेंट करते हैं लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम लोग उस मेथड को काम में नहीं लेते, तो वो आपका सही एग्जांपल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज केमिकल फैलो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रॉ बोन मील कंटेन्स P2O5 कंटेनिंग टू विच एक्सटेंट, तो ये आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 20-25%। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोन रेगुलेटर इज एलिवेटेड अंडर वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस, तो ये कौन सा होता है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ABA। ओके एब्सेसिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। When a transgenic plant is crossed with a non-transgenic plant, what would be the zygotic status of the F1 plant? ठीक है, तो अब आपको इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हेमीजाइगस। ओके क्योंकि होमोजाइगस और हेटरोजाइगस तो हमें पता ही है, जब हम एक ट्रांसजेनिक और दूसरे नॉन ट्रांसजेनिक को मिलाएंगे तो एक हेमीजाइगस बन जाएगा। ओके यानी मिक्स्ड वैरायटी सॉर्ट ऑफ। ओके नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, IET23832 इज अ वैरायटी ऑफ, तो अब ये जो है ये आपकी वैरायटी होती है जिंक रिच राइस की, ठीक है, यानी ऐसा राइस जिसके अंदर हम लोगों ने जिंक से उसको एनरिच किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द इनिशियल सीड ऑफ एन इम्प्रूव्ड लिमिटेड इन क्वालिटी लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड प्रोड्यूस बाय द प्लांट ब्रीडर इज नोन एज, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज न्यूक्लियर सीड्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द प्रोसेस ऑफ एलिवेशन ऑफ सीड्स इन टर्म ऑफ प्योरिटी एंड जर्मिनेशन इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग सीड टेस्टिंग बोलते हैं उसको। ओके जिसके अंदर आपके सीड का इवैल्यूएशन होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट कॉइन द टर्म रिकरेंट सेलेक्शन, तो ये जो सही आंसर है आपका ये है आपके FH Hall। ओके इन्होंने आपका ये बताया था रिकरेंट सिलेक्शन का टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ प्योर लाइन सिलेक्शन, अब कौन सा प्योर लाइन फीचर का सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्योर लाइन हैव हाई लेवल्स ऑफ अडेप्टेबिलिटीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है, पेडिग्री ब्रीडिंग मेथड इज जनरली यूज फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ, अभी जो पेडिग्री ब्रीडिंग होती है वो किस तरीके का जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करती है, तो वो करती है आपका सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप का। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज नॉट डेवलप्ड थ्रू क्लोनल सेलेक्शन, तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज IR8 ऑफ राइस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द हाइब्रिड प्रोजेंसी फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू सिंगल क्रॉसेस इज नोन एज, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड्स। ओके क्योंकि दो सिंगल्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं ना, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या है, अ वेराइटी डेवलप बाय मिक्सिंग द सीड ऑफ वेरियस जीनोटाइप विच आर सिमिलर टू मेच्योरिटी हाइट सीड साइज एंड सीड कलर एटसेट्रा इज नोन एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट वेराइटीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल्स एंड पल्सेस आर जनरली गवर्न बाय, अभी जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि सीरियल्स और पल्सेस के अंदर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैस फ्रॉम अमोनिकल फर्टिलाइजर इन सॉइल इज नोन एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ओके दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। 1 bar equals to dash megapascal, तो ये आपका सही होता है 0.1। ओके यानी 1 bar equal to 0.1 megapascal। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। द कलर ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस फॉर 1 class एंड क्लास 8 ऑन मैप आर रेस्पेक्टिवली, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लाइट ग्रीन एंड पर्पल। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ 10 सेंटीमीटर सरफेस सॉइल फॉर 1 हेक्टेयर फील्ड इन केजी इज, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इन इज हेडक्वार्टर्ड एट, तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नागपुर। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33, बट इसको एक्चुअली उन्होंने डिलीट कर दिया था क्योंकि इसका कहीं ना कहीं पे या तो क्वेश्चन में या फिर आंसर में कहीं पे कुछ एरर था, इस वजह से इन्होंने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था। ओके, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू, तो इसके अंदर हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ रेन इज मोर देन इनफिल्ट्रेशन रेट इट कॉजेज रन ऑफ एंड सॉइल लॉस, कोर सॉइल आर मोर ससेप्टेबल टू इरोजन देन फाइन सॉइल्स, डीप लेट्रिक सॉइल्स हैव लो रेट ऑफ रन ऑफ, एलोवाइल सॉइल्स हैव हाई रेट ऑफ रन ऑफ। अब इसमें से आपको नॉट ट्रू वाला ऑप्शन बताना है। ओके, तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, जो आपकी कोर सॉइल्स होती है वो मोर ससेप्टेबल नहीं होती है, जो आपकी फाइन सॉइल्स होती है वो आपकी सॉइल इरोजन के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होती है। ओके, जो कोर सॉइल्स होती है वो थोड़ी कम होती है इरोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या लिखा है, अ सिचुएशन इन विच अ क्रॉप नीड मोर ऑफ अ गिवन एलिमेंट येट हैज शोन नो डेफिशिएंसी सिम्टम इज रेफर्ड एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हिडन हंगर। ओके, यानी उसके अंदर डेफिशिएंसी नहीं है लेकिन स्टिल उस क्रॉप को जो है उस एलिमेंट की थोड़ी ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। तो इसको हम लोग रीड करते हैं, क्वेश्चन को क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अगेन गाइस ध्यान से पढ़ो, नॉट ट्रू लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सॉइल कंटेन लेस देन 1 मिली इक्विवेलेंट एक्सचेंजेबल मिलीग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल एज कंसिडर्ड मैग्नीशियम डेफिशिएंट, सॉइल्स कंटेनिंग लेस देन 15 मिली इक्विवेलेंट एक्सचेंजेबल कैल्शियम पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड कैल्शियम डेफिशिएंट, पोटेशियम सल्फाइड कंटेन 24% ऑफ एस एंड एग्रीकल्चरल लाइमस्टोन कंटेन 80-95% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पोटेशियम सल्फाइड कंटेन 24% ऑफ सल्फर। ओके, सल्फेट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन इज एन ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, तो इसका सही आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नाइट्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी क्लासिफाइड एज अ सॉइल इज नोन एज, तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पेडॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वर्टी सॉइल डेवलप ऑन हाई सॉल्ट कंटेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। ये क्या है, आर का रक्षक इज द फर्स्ट ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट F1 हाइब्रिड ऑफ, तो अब ये आपको ये बताना है कि आर का रक्षक जो है वो किसका F1 टाइप है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टमेटो का टाइप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। येलो वेन मोजैक इज अ कॉमन डिजीज ऑफ, अब ये जो येलो वेन मोजैक होती है ये किसमें सबसे ज्यादा होती है, तो ये होती है आपकी ओकरा यानी भिंडी के अंदर ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42। आर का लोहित इज अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, अब आपको ये बताना है, जैसे हमने अभी ऊपर दूसरी वेराइटी की बात करी थी, इसके अंदर आपको ये बताना है आर का लोहित जो है वो कौन सी वेराइटी है, तो वो आपकी एक चिली की वेराइटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। बोल्टिंग इज अ डिसऑर्डर ऑफ विच क्रॉप, आपको बताना है कि बोल्टिंग जो है वो किसका डिसऑर्डर है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अनियन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44। ग्रैनुलेशन इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच फ्रूट क्रॉप, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सिट्रस फ्रूट्स। ओके, जिसके अंदर हमारे सारे रस वाले फ्रूट आ जाते हैं, लाइक हमारे ऑरेंजेस हो गए, हमारे माल्टा और हमारी मौसमी एंड नींबू एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45।
क्या है, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ पपाया. अब सीड रेट जो है पपाया की वो कितनी होती है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर टू, दैट इज 250 ग्राम पर हेक्टेयर. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46. इसमें क्या लिखा है, टिकड़ी इज अ कल्टीवर ऑफ विच फ्रूट क्रॉप. तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज बेर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्टली डायरेक्टली सोन. तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज ओकरा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48. विच इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन फ्रूट फॉर प्रिपेयरिंग जेली. तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज पेक्टिन. ओके, ये आपका थोड़े जेली जेली प्रिपरेट करने के अंदर हेल्प करता है फ्रूट्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49. बॉटनिकल नेम ऑफ स्वीट ऑरेंज इज नोन एज. तो ये आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज सिट्रस साइनेसिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50. स्पार्कलिंग क्लियर जूस इज नोन एज. तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डियल. ओके, ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज कॉर्डियल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 51. इन इंडिया डेट इज हार्वेस्टेड एट. तो अब इंडिया के अंदर जो डेट हार्वेस्ट करते हैं वो हम लोग कब करते हैं, वो करते हैं हम लोग डोका स्टेज पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52. अंडर अपराम द स्केल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज कैरिड आउट इन. तो अपरा के अंदर तहत कृषि उत्पादों की खरीद या बिक्री कब करी जाती है. तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑल ऑफ द अबव, यानी आपके मार्केट एरिया, मार्केट यार्ड और मार्केट सब यार्ड, यानी हर जगह पे होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 53. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट. तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज NAFED. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर मार्केट. तो इसका सही आंसर है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ FCI. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55. तो ये क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ ए टू इज. तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका ये वाला है, ठीक है, वो वन ऊपर रह गया, तो आप इसको इधर से कट कर दो. तो आपका कॉस्ट ऑफ ए टू क्या है, कॉस्ट ए वन प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर. तो आपका जो ऑप्शन नंबर वन है वो एकदम करेक्ट है इसके अंदर. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 पे. विच रेशियो डिटरमाइन द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस इन द लॉन्ग रन. तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नेट कैपिटल रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57. हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज अकाउंटेड बाय फॉरेस्ट. तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 21%. ओके, काफी कम है बट ठीक है अभी तक के लिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58. इन केस ऑफ लाइव स्टॉक जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन मेथड इज यूज्ड. तो आपका जब लाइव स्टॉक की बात करते हैं तो कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड काम में लेते हैं, तो वो होता है आपका एनुअल रिवैल्यूएशन. ओके, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी इज प्लेज्ड फॉर ऑब्टेनिंग कैटल लोन्स. तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ज्वेलरी. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60. बट इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी आई थिंक ऑप्शंस के अंदर कुछ इशू था, इस वजह से उन्होंने इस वाले ऑप्शन को भी कैंसिल कर दिया, इस वाले क्वेश्चन को भी. ओके, यानी इसके मार्क्स जो थे वो या तो किसी को भी नहीं मिले थे या फिर सबको उन्होंने मार्क अलॉट कर दिए थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61. ओके, तो हम लोग रीड करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 61 क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट वॉज नॉट मर्ज्ड इन NABRD इन 1982. तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज AFC. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62. टू प्रोडक्ट्स आर सेड टू बी कॉम्पिटिटिव ऑफ देयर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63. व्हेन द बैंक फेल टू रिकवर द लोन एडवांसेस टू द वीकर सैंक्शंस देन व्हिच इंस्टीट्यूशन रीइंबर्स द लोन टू देम.
ये आपको बताना है कि कौन रीएम्बर्स करता है. ओके, तो इसका सही आंसर है आपका डीआईसीजीसी. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 64, एनएटीपी दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वॉज स्टार्ट इन विच ईयर. तो कौन से ईयर के अंदर स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था हमारा 1998 के अंदर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. अब कौन सा जो है वो सही से मैच नहीं हुआ हुआ नहीं है? आत्मा 2005, HYVP 1965-66, नेशनल बैम्बू मिशन 2007 और नन ऑफ दीज. तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से एक भी जो है वो उसकी डेट के हिसाब से जो सही सही करेक्ट मैच है वो नहीं हुआ है. अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप इन तीनों के जो सही सही आंसर्स हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो को सही से देख रहे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन सही से चल रही है या नहीं. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 66, विच वन इज अ नॉन प्रोजेक्टेड एड, सिनेमा स्लाइड ओवरहेड प्रोजेक्टर और पिक्चर. तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पिक्चर. ओके, क्योंकि सिनेमा के भी हम लोग प्रोजेक्टर से देखते हैं, स्लाइड्स के अंदर भी हम लोग ओवरहेड प्रोजेक्टर के काम में लेते हैं, और ओवरहेड प्रोजेक्टर तो है ही जो कि व्हाइट स्क्रीन के ऊपर आपका शो करता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 67, गोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज. अब आपके एक्सटेंशन एजुकेशन का गोल क्या होता है? टू प्रमोट साइंटिफिक आउटलुक. ओके, क्योंकि इसके अंदर हम लोग इनकम की बात नहीं करते, इसके अंदर हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन की बात नहीं करते, और इसके अंदर हम लोग न्यू क्रॉप की भी बात नहीं करते. इसमें हम लोग एक तरीके से लोगों को साइंटिफिक आउटलुक यानी दृष्टिकोण प्रोवाइड करते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 68, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर. अब कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था आपका 1952 के अंदर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 69, लेजर फेयर अप्रोच टू प्रोग्राम प्लानिंग इट डिपिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इफ यू वॉन्ट हेल्प लेट मी नो विल ट्राई टू गिव वॉट यू वॉन्ट. ओके लेजर फेयर वाली जो इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेज होती है, ठीक है, कुछ अथॉरिटेटिव है, कुछ अथॉरिटेरियन है, और कुछ जो है हमारी लेजर फेयर वाली है. ओके तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस अप्रोच. तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन वैलिडिटी एंड यूटिलिटी. ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स वर देयर इन अ नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट. तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 4. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 72, पीपल शुड रेज दैट द टास्क ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एजुकेशन इज देयर ओन वर्क. द अबव सेंटेंस डिपिक्ट व्हिच प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन. तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 73, नेशन वाइड प्रोग्राम ऑफ एक्सटेंशन वाज स्टार्टेड विद द लॉन्च ऑफ. अब सबसे पहले कौन सा लॉन्च हुआ था, उसके बाद में सारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू अबाउट केवी केस. तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज केवीके इज ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग फॉर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज. ओके तो केवीके इज मोस्टली जो है फार्मर्स के लिए ज्यादा काम करते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 75, प्रोग्राम प्लानिंग स्टार्टेड विद. अब प्रोग्राम प्लानिंग जो है वो किससे स्टार्ट होती है? सबसे पहले जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं लोगों के बीच में, उसके बाद में ही हम लोग किसी भी तरीके की प्लानिंग स्टार्ट करते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 76, इसमें लिखा है मेजरमेंट ऑफ ए कंबाइंड असेसमेंट ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर एंड एयर ह्यूमिडिटी इन द एनिमल टर्म्ड एज. तो इसको हम लोग सही, इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इंडेक्स. ओके किस चीज से असेस करोगे? तो ऑब्वियस जब आप किसी चीज का पर्टिकुलर इंडेक्स देखेंगे तो उससे ही आप लोग असेसमेंट कर सकते हैं. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान इज लीडिंग वूल प्रोड्यूसर इन द कंट्री विद अ शेयर टू द नेशनल टोटल आउटपुट ऑफ. तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 30% का. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 78, क्या क्वेश्चन है? हाउ मच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड इंक्यूबेशन ऑफ
चिकन एग्स अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, तो उसको ग्रो करना है ना, मतलब आर्टिफिशियल चिकन एग्स को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 37.5 डिग्री सेल्सियस, यानी नॉर्मल जो एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वही टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, ताकि प्रॉपर इंक्यूबेशन रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 79। प्योर स्टॉक ऑफ जामनपुरी ब्रेड ब्रीड ऑफ गोट इज फाउंड इन विच स्टेट। अब आपको ये बताना है कि ये जो जमुनापारी नस्ल होती है ना बकरियों की, वो कौन से स्टेट के अंदर ज्यादा अवेलेबल है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ओके, प्योर स्टॉक्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो इसमें है मॉलीबेडिसिन इज अ डिजीज इन कैटल विच इज कॉज्ड बाय द इम्बैलेंस ऑफ डैश एंड डैश इन अ डाइट। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी अगर आपकी डाइट के अंदर मॉलिबेडिनम और साथ साथ के अंदर सीयू, दैट इज कॉपर, अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो आपको मॉलिबेडिनेसिस डिजीज हो जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, क्या बोलता है, कर्ल्ड टो पैरालिसिस इन पोल्ट्री इज अ न्यूट्रिशनल डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अब ये जो कर्ल्ड टो पैरालिसिस है पोल्ट्री के अंदर, वो किस चीज की डेफिशिएंसी से होता है, तो वो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है अगर पोल्ट्री के अंदर, तो उसको ये कर्ल्ड टो पैरालिसिस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 82, क्या बोलता है, फर्स्ट मिल्क आफ्टर द पार्चुरेशन ऑफ अ काउ इज कॉल्ड एज। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। गाइज ये तो एकदम ह्यूमन बींग जैसा है कि आफ्टर बेबी बॉर्न होने के बाद में जो पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी हम लोग उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और जो काउज होती है उसके जैसे ही बेबी पार्चुरेट हो जाता है या बाहर आ जाता है उसके बाद में जो पहला मिल्क आता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये तो सिमिलर है, तो ये तो याद करने में भी ईजी रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 बोलता है इंडियन लाइफ स्टॉक सेंसिस इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी, तो अब ये जो इंडियन लाइफ स्टॉक वाला होता है ये कब कब होता है, एवरी 5 ईयर के अंदर हम लोग इसको सेंसिस करते हैं, ओके। जैसे हमारी जो जनगणना होती है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की, वो एवरी 10 ईयर्स के अंदर होती है, तो उसी तरीके से जो लाइफ स्टॉक होती है उनके अंदर 5 ईयर्स के अंदर होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, दैट इज पश्मीना फाइबर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। अब ये जो पश्मीना फाइबर है ये कहां से आता है, तो ये आता है आपका गोट से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, वूल सॉर्टर्स डिजीज इज सिनोनिम ऑफ। अ वूल सॉर्टर जो डिजीज है उसका और दूसरा नेम क्या है, उसका दूसरा नाम है एंथ्रैक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86, प्रतापधन ब्रीड बिलोंग टू। अभी जो प्रतापधन है ये कौन सी ब्रीड से बिलोंग करता है, तो ये आपका बिलोंग करता है पोल्ट्री से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 87, मिल्क वेन इन काउ हैज। अभी जो मिल्क वेन है जिसमें क्या होती है, ये होती है आपकी ब्लड, ओके। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 88, साइकोमीटर इज यूज टू मेजर। अब साइकोमीटर हम लोग किस चीज को मेजर करने के काम में लेते हैं, तो हम लोग जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें रीड करनी होती है तब हम लोग साइकोमीटर काम में लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 89, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड SI स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज SI यूज टू एक्सप्रेस द सोलर रेडिएशन। जब हमें सोलर रेडिएशन की जो SI यूनिट थी वो देखनी है, तो वो हमारी कौन सी होती है, वो होती है हमारी वॉट्स पर स्क्वायर मीटर, ओके, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, द मेन सोर्स ऑफ फार्म पावर इन इंडिया इज। तो इसका सही आंसर है आपका बुलॉक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर फ्रॉम पंप केसिंग एंड सक्शन पाइप बाय फिलिंग वाटर इन द सक्शन पाइप इज कॉल्ड एज। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिम, ठीक है, ट्रिमिंग, ओके। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज LUX, दैट इज लक्स इज यूज फॉर मेजरिंग। अब हम लोग लक्स जो है वो किस चीज में काम में लेते हैं, वो हम लोग काम में लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन देखने में, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93, इसमें क्या है, हाइड्रोमीटर मेजर। अब हाइड्रोमीटर जो है वो क्या देखता है, हाइड्रोमीटर जो है वो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को रीड करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, विच मशीन इज बीइंग पॉपुलरली यूज्ड टू सीडिंग वीट
इन राइस रेजिड्यू विदाउट कन्वेंशनल टिलेज? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर टू, दैट इज हैप्पी सीडर. ओके, नाम से ही खुश खुश जाए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 95. क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 95? द टोटल फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एन इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड एज. तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर टू, दैट इज पुल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 96. इफ द स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द ऑरिफिक द डिस्चार्ज इज अंडर वाटर, नेम द वाटर फ्लो मेजरिंग डिवाइस. तो आपको क्या बताना है, आपका जो वाटर वाटर फ्लोइंग का मेजरिंग का डिवाइस है उसका आपको नाम बताना है. ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो होगा आपका सबमर्ज्ड ऑरिफिक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 97. प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन आर बीइंग परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली थ्रू अ फार्म इम्प्लीमेंटेशन नेम्ड एज. तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज रोटोवेटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 98. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द जियोमेट्रिक मीन. तो इसका आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज जियोमेट्रिक मीन इज ऑलवेज मोर देन द अरिथमेटिक मीन. ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आ गया है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग वेटेड मीन और ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन और इन सब की बात करते हैं. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 99. क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 99? द सेकंड सेंट्रल मूवमेंट अबाउट द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू. तो ये आपका सही आंसर होता है आपका, वेरियंस के इक्वल होता है वो हमेशा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन गिवन आइडिया ऑफ वेरिएबिलिटी इज नोन एज. तो इसका आपका सही आंसर है आपका रेंज का डिस्पर्शन. ऑब्वियस है, यानी एक तो आपकी मिनिमम रेंज रहेगी और एक आपकी मैक्सिमम रेंज रहेगी, तो इन दोनों के बीच की जब हमें जो आइडिया दे, जो वेरिएबिलिटी है या फिर दो भी डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया देगी, तो वो हमारी रेंज ही होती है. ठीक है, मीन डेविएशन तो मीन के से जो डेविएट हो रहा है, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वैसे हम लोग मीन डेविएशन निकालते हैं, वो चीज है. क्लास फ्रीक्वेंसी जो हम लोग जब कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते तो वो होता है. तो ये दोनों से तो डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम मैक्सिमम दे ही नहीं सकती, ठीक है, और ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता. चलो, आई होप आपको क्लियर होंगे 100 क्वेश्चंस. अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 101 के ऊपर और देखते हैं क्या है क्वेश्चन. व्हेन द टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट एंड द कोरिलेशन बिटवीन देम इज. अगर वो दोनों वेरिएबल्स जो है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, यानी एक दूसरे का होना ना होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, तब उनकी जो कोरिलेशन है वो कितनी होगी. तो इसका सही आंसर रहेगा जीरो, क्योंकि उन दोनों का होना ना होना एक दूसरे के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, तो उन दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, इस वजह से उनका जो कोरिलेशन का वैल्यू होगा वो होगा जीरो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 102. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ट्रू फॉर द डेटा सेट एन, दैट इज एक्स एंड वाई. तो हम लोग रीड करते हैं. इट रिमेन अनअफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ द स्केल बट चेंजेस विद द ओरिजिन. तो ये तो सही नहीं है. इट रेंजेस फ्रॉम -1 to 0, 0 तक नहीं होता, +1 तक होता है. ओके, नेक्स्ट है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव व्हेन वाई डिक्रीजेस एंड डिक्रीजेस ऑफ एक्स थ्रू आउट द रेंज. तो ये भी एकदम गलत है. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ द अबव. ठीक है, यानी इनमें से कोई भी जो है वो करेक्ट नहीं है कोरिलेशन के कंटेक्स्ट में. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 103. तो 103 हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ मीन इज 5 एंड वेरियंस इज 9 द कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस विल बी. तो आपका इसके अंदर कोफिशिएंट, अगर आप कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें आपको जो सही आंसर मिलेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 60%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104. टू कंपेयर द कंसिस्टेंसी ऑफ टू प्लेयर्स इन देयर प्रीवियस मैच वन शुड कैलकुलेट. यानी अब कंसिस्टेंसी देखनी है दो प्रीवियस मैचेस की, तो इसके अंदर हम लोग क्या काम मिलेंगे, इसके अंदर हम लोग काम मिलेंगे ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस ऑफ रन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 105. तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ अरिथमेटिक मीन इज 48 एंड द मीडियन इज 47 देन द मोड वैल्यू इज. तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल्स टू मीन, 3 टाइम्स का मीन और 2 टाइम्स उसका मीडियन. ठीक है, तो अगर आप वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर मीन, जिसके अंदर मीन मीडियन मोड का पूरा रिलेशन दिया हुआ रहता है, तो उस वाले फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन जो सही आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2. ओके, यानी आपका जो मोड की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 45. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 106. द
द हार्मोनिक मीन ऑफ 0 to 4 इज. अब इसका हार्मोनिक मीन अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका हार्मोनिक मीन आएगा 0. ओके, क्योंकि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो उससे आपका आंसर आएगा 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 107. द बेस्ट एवरेज फॉर डीलिंग विद अ क्वालिटेटिव डेटा. तो जो क्वालिटेटिव डेटा के साथ में डील करने के लिए जो एवरेज होती है वो होती है हमारी मीडियन. ओके, क्योंकि ये दोनों हमारे क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर लगते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 108. ये इंसेक्ट ही होगा, ये टाइप हो है थोड़ा सा, है ना. इंसेक्ट सेक्स फेरोमोन अट्रैक्ट्स टू. अभी किसे अट्रैक्ट करते हैं? तो ये आपके मेल मॉथ को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की. तो आपका 109 क्वेश्चन क्या बोलता है? एंटमोपैथोजेंस वर्टिकेरुलम लेसेंस इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ. अब ये जो है ये किस चीज के कंट्रोल के अंदर काम आता है ना. तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अफाइड्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 110. बीटी कॉटन इज ऑल्सो नोन एज. तो इसको बीटी, जो हमारी बीटी कॉटन है, उसको हम लोग और दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप. तो ये एक तरीके का जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करा हुआ एक प्लांट है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है बॉल वॉर्म, जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो वॉर्म है एक तरीके का, वो कॉटन को खा जाता है, तो उससे रेजिस्टेंट इस वेराइटी को बनाया गया है. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटी कॉटन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 111. तो ये क्या बोलता है? साइबरमेथिन बिलोंग्स टू विच ऑफ द ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स. तो ये जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी सिंथेटिक पैराथॉइड्स के अंदर पैराथॉइड्स ग्रुप से बिलोंग करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 112. इमाडेक्सोल डेक्लोप्रीड बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड. अब ये जो है इमाडेक्लोप्रीड, ये जो है ये कौन से ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड से बिलोंग करता है? तो ये करता है आपका नियो निकोटेनॉइड से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेकिडेंस, यानी मकड़ी नाशक जो है, यानी मकड़ियों को मारने वाला जो है वो कौन सा है इसके अंदर से? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डाइकोफोन. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की. HANAPV कैन बी यूज टू कंट्रोल ऑफ. अब ये जो वेराइटी है ये किसको कंट्रोल करने के काम आती है? ये आती है आपकी ऑप्शन नंबर 2, यानी हेलिकोपरवेर आर्मी जेरा जो है इसको कंट्रोल करने के काम आती है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115. द ग्रेट आयरिश फेमाइन दैट इज इन 1845-46 वॉज ड्यू टू. अब ये जो था फेमाइन ये किसकी वजह से आया था? ये आया था आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 116. ब्लैक आर्म इज अ डिजीज कॉज्ड बाय. अभी जो ब्लैक आर्म है ये कौन कॉज करता है? ये आपका करता है जेंथोमोनास कंपेस्टिव पीवी मालवेसेरियम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 117 क्या बोलता है ये? पोटैटो सिस्ट नेमेटोड्स आर आल्सो नोन एज. यानी पोटैटो सिस्ट नेमेटोड्स जो है इनका और दूसरा नाम क्या होता है? तो इनको हम लोग गोलोबेरेडा रोस्टोनाइचिस के नाम से भी जानते हैं. ओके, गोलोबेरेडा रोस्टोनाइचिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 118. विच इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन सॉइल. तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एजोडोबैक्टर. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119. सीडलिंग ब्राइट ऑफ कैस्टर इज कॉज्ड बाय. तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फाइटोफ्थोरा स्पीशी. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120. व्हाइट फ्लाइज ट्रांसमिट प्लांट वायरस इन. अब ये किसमें करती है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर 1, यानी नॉन परसिस्टेंट एंड सेमी परसिस्टेंट मैनर के अंदर ट्रांसफर करती है. ओके, तो हमारे आज के क्वेश्चन जो थे वो इतने ही थे. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. तो अगर आप इसी तरीके से एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम लोग हेल्प कर सके उनके एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के अंदर.
और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या आपको सारे आंसर समझ में आए और इस तरीके के और कौन से दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं जिनका कंटेंट हम लोग आपको ऑन टिप्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।